हाल ही में शिव विधायक अमीन खान ने सिंधी मुस्लिम समाज पर एक बयान दिया है, जिसमें अमीन खान सिंधी मुस्लिम समाज को गद्दार कहते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो इनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं अमीन खान, देखिए। कि सिंधी मुसलमानों की कौम जो है, इसका इतिहास हमेशा वफादारी का नहीं रहा है, गद्दारी का रहा है। सिंध में कई ऐसी घटनाएं घटी है, बुरे से बुरी वो मुसलमान सिंधियों ने। अमीन खान के इस बयान के बाद समाज के लोगों की प्रतिक्रिया आना भी स्वाभाविक है। अब इस पूरे मामले पर बोलते हुए मौजिज और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना ताज मोहम्मद का एक ऑडियो जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली की जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और अमीन खान के बयान पर तंज कसते हुए मौलाना ताज मोहम्मद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जो सिंधी मुस्लिम समाज है वो गद्दार होता तो अमीन खान साहब आप विधायक या मंत्री नहीं होते। अरे मेरी मिल्लत के शहदाई हो, बाड़मेर व जैसलमेर व जालोर व जोधपुर व पाली के सिंधी गयूर मुसलमानों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी कौम व मिल्लत के नौजवानों, सुनो, बार बार सुनो, अमीन साहब की प्यार और मोहब्बत भरी सदा को सुनो। सिंधी कौम गद्दार बेवफा है, कभी भी इस कौम से वफादारी नहीं हुई, लिहाजा आज ये खादिम कौम व मिल्लत ताज मोहम्मद बाड़मेर, जैसलमेर व जालोर व पाली व जोधपुर सिंधी गजूर मुसलमानों के कानों तक आवाज़ पहुंचाना चाहता है। ये दिल की सदा है, मेरी आवाज़ नहीं है, तुम ही न सुनोगे तो उसे कौन सुनेगा। कि ऐ प्यारे सिंधी भाइयों, ऐ बाबुल इस्लाम सिंध से आने वालों, हम और आप सिंधी हैं, अपनी मादरी जबान सिंधी है, अपने आबा व अजदाद सिंधी हैं, अपनी तहजीब सिंधी है, अपनी गुफ्तार और रफ्तार सिंधी है, सच्चाई व वफादारी पर मर मिटना सिंधी कौम का तुर्रे इम्तियाज है। सिंधी होने पर फख्र है, सीना तान तान कर बोलो कि हम सिंधी हैं, सिंधी होने पर हमें फख्र है। हमारा ख़ानदानी जहन सच्चाई का दर्श देता है, हमारा असल वफादारी पर मर मिटना सिखाता है, सच्चाई और वफादारी सिंधी कौम की खासियत है। मैं अमीन साहब को शाबाशी देना चाहूँगा कि जब से सियासत में आए हो तब से लेकर आज तक सिंधी कौम का कर्ज़ा आपने चुका दिया। ऐ मेरे सिंधी भाइयों, फ़ख्र से बोलो कि हम सिंधी हैं, हम बावफा न होते तो ए खान साहब आप MLA न बनते, हम गद्दार होते तो तुम मिनिस्टर न बनते। ऐ अमीन साहब, तुमको MLA बनाना सिंधी कौम ने, ऐ अमीन साहब तुमको MLA बनाया सिंधी कौम ने, मिनिस्टर बनाया सिंधी कौम ने, शाबाश बार बार शाबाश हो खान साहब तुझको। सलाम। अमीन खान के द्वारा दिए गए बयान के साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो के संदर्भ में हमने बात की मौलाना ताज मोहम्मद से। हमारी पूरी बातचीत में ताज मोहम्मद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे पहले विधायक अमीन खान के बयान को लेकर आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारी सिंधी कौम, हम तो सारे सिंधी हैं, ये चार पांच जिले जालोर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, ये चार पांच जिले हमारे सिंधियों के खास जिले हैं, तो इसमें हमारी सारी कौम बसी हुई है। और खास करके अमीन साहब का जो क्षेत्र कौशलसी है वो शिव है, शिव में ज्यादातर मुसलमान, जितने भी सिंधी मुसलमान हैं उन लोगों ने इनका लगभग 50 साल से तआवुन किया, मदद में रहे, हर वक्त में इनको मदद करके इनको जिताया, पूरा साथ दिया। मगर इन्होंने आते ही इस वक्त में थोड़ा बहुत इनको मुख्यमंत्री साहब ने इनको खुश किया, तो खुशी के लहर में आकर के इतने मतलब बौखला गए कि अपने आपे से बाहर निकल करके वो कहने लगे कि सिंधी कौम गद्दार है, सिंधी कौम बेवफा है, ये है वो, यूँ छोटी मोटी बातें करने लगा। तो वो हमें सबको अच्छी नहीं लगी,
कि भाई हमने तो इन लोगों का मदद किया, तआवुन किया है। हालांकि मैं तो बीजेपी से हूँ, बीजेपी में रहूंगा, बीजेपी का काम किया है, मगर फिर भी सिंधी मुसलमानों में इतना जो इनका नुकसान होना चाहिए वो कतई न हुआ न होगा। लगभग ऐसा समझ लीजिए कि 80% हमारे सिंधी मुसलमान सारे अमीन के और कांग्रेस के पक्ष में रहे, फिर भी इसने इतनी मतलब बुराई की, तो बुराई है, लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो मुझे भी वो बात बहुत बुरी लगी, उसमें मेरा नाम भी लिया है। हालांकि ओवैसी से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना उसकी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक है। इतना जरूर हुआ था कि एक सभा हुई थी हमारे वहाँ दरगाह है, दरगाह शरीफ में वो चादर पोशी के लिए वहाँ पर जलवा बार हुआ, तो सिर्फ उनके इस्तकबाल में मैं हाजिर रहा, हाजिर रह करके बाद में मैं निकल गया, मैं मेरे काम से गया। वो ओवैसी अपने हिसाब से वो तो सियासी लीडर हैं, दुनिया भर के में उसका मतलब वैसे दौरा रहता है, तो वो अपना दौरा करता रहा, उसी तरह से वो गागरिये में उसका मंच हुआ। गागरिये में तो इसी पूरी मतलब कौम के, हमारे सिंधी कौम के लगभग 40-50 हजार लोग इकट्ठे हो गए, तो इनको ये मुश्किल लगा कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उसी हिसाब से कौम से खफा हो गया। खास बात ये है जी, तो ताज मोहम्मद साहब आप ये बताइए कि अब सिंधी समाज की इस बयान को लेकर आगे क्या रणनीति रहने वाली है? सर मैं गाड़ी में हूँ, साफ सुनाई नहीं दिया। मैं ये, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब इस बयान को लेकर, जो बयान अमीन खान साहब ने दिया है, उसको लेकर अब क्या आगे की रणनीति रहने वाली है सिंधी मुस्लिम समाज की? उसमें रणनीति लोगों ने यही तय की है कि अमीन साहब या तो माफी हमसे ले, अगर माफी नहीं लेगा तो हम इनके खिलाफ हर तरह से हैं खिलाफ रहेंगे, और इसको हर हाल में जितना हो सका कोशिश करके इनको हराने में हर तरह से हम सफल बनेंगे और अमीर को हराएंगे, इसी में लगे हुए हैं सारे। तो मतलब दो चार दिन से ये सारे प्रशासनिक अधिकारियों के ऑफिस बंद पड़े हैं, तो इसी हिसाब से कहीं विज्ञापन पर नहीं पहुंच सका, लोग तो ज्ञापन देने में भी लगे हुए थे, कहीं पर पहुंचाया है कहीं पर नहीं भी पहुंचा है।